नमस्कार। लंबी लकीर की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे बच्चे की जिसने यूपीएससी की तैयारी की, फिर उस तैयारी को छोड़ा, फिर कोडिंग में अपनी शुरुआत की और फिर क्या क्या हुआ उसके साथ। इस कहानी में तैयारी है, इस कहानी में जीत है, इस कहानी में बहुत सारी हार है और जो सबसे जरूरी है वो है कि इस कहानी में सीख है लंबी लकीर की। तो आराम से बैठ जाइए, बात करते हैं। ये बच्चा है मोहसिन, ऑब्वियसली मैंने इसका नाम बदल दिया है क्योंकि कहानी में हार भी है। आई डोंट वॉन्ट इट टू बी पब्लिक कि कौन बच्चा है, पर मोहसिन की कहानी शुरू होती है 2020 में। ठीक है, 2020 में बच्चा जो है पहली बार मुझसे मिलता है। अब जब ये मुझसे मिलता है, देखो मेरे पास 400 500 हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे सच्चाई है कि हर किसी की कहानी नहीं पता रहती और याद भी नहीं रहती और कई बार नाम भी नहीं याद रहता। लेकिन 2023 में ये सेम बच्चा मेरे घर आता है और हम लोग बैठ कर बात कर रहे हैं, और जब बातें करने शुरू करते हैं तब मुझे समझ में आता है कि यार इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको सुनाया जाना चाहिए। तो मोहसिन जो है वो 2020 में गवर्नमेंट एग्जाम यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, मैंने से पूछा कि अरे यार एक बात बताओ, ये यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे थे? तो बोला देखो घर वालों ने बोला भैया, और मेरे दोस्त भी कर रहे थे तो हम भी लग गए। चलो अच्छी बात है, अधिकतर लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी ऐसे ही करते हैं। बोले भैया ऐसा कुछ खास बैकग्राउंड भी नहीं था मेरा, तो ऐसा नहीं था कि मतलब कॉलेज खत्म होते ही जॉब लग रहा था मेरा, तो फिर मैंने सोचा चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इसने 12 महीने यूपीएससी की तैयारी में लगाए। तो मैंने बोला अच्छा एक बार बताओ, इसके बाद कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट आ गया तुम्हें? तो बोला बस ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखते थे प्रोग्रामर लोगों का, आपका भी वीडियो देखा और पहले से इंटरेस्ट थोड़ा आ रहा था। का जब गवर्नमेंट एग्जाम की और वो यूपीएससी जैसी इतने अच्छे एग्जाम की तैयारी छोड़ी, घर वालों ने क्या कहा? बोला घर वाले ने ज्यादा कुछ बोला नहीं मेरे, बोला कि ठीक है जो भी करो सोच समझ के करो, और यूपीएससी की तैयारी तो फिर आकर वापस कभी भी कर ही सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम अभी इतने यंग हो कि बहुत अटेम्प्ट्स बाकी होंगे, तुम्हारे टाइम एज सब बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है, ये भी सही है। कोडिंग के बारे में क्यों सोचा? बोले भैया 6 महीने 12 महीने मैंने यूपीएससी की तैयारी की, फिर मुझे लगा कि एक तो ये एग्जाम बहुत टफ है, दूसरा कि मेरा करियर गैप कॉलेज के बाद बढ़ता जा रहा है, तो अगर मैं अभी नहीं घुसा तो बाद में घुसने में और मेहनत होगी। ट्राई कर लेते हैं एक बार कोडिंग का, ये तो कर ही सकते हैं बाद में, और मुझे लग रहा था कि बहुत रिपीटेटिव है। अब यहाँ से शुरू की कहानी। जो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, एक साल उसने यूपीएससी की तैयारी कर ली है, उसे कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग के बारे में, वो कैसे शुरू करता है? तो शुरू करता है बहुत ही सिंपल ढंग से कि कुछ कुछ बनाते हैं। तो ये 2020 की बात है, उस समय अभी भी वो है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, कुछ कुछ एप्स बनवाता था ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये बच्चा उसको फॉलो कर करके बनाता है और अटक जाता है कभी कभी। कुछ अटक जाते थे तो क्या करते थे? मतलब भैया अटकते थे तो गूगल करते थे, और नहीं समझ में आता था बहुत बार, बहुत सारा कीवर्ड फेंक जाता था, तो थोड़ा लगे रहते थे तो हो जाता था। मैंने कहा अच्छा एक बार बता, तुमने यूपीएससी की तैयारी की और तुम प्रोग्रामिंग की तैयारी की, क्या अंतर लगा तुमको? बड़ा मजेदार बात कही कि भैया यूपीएससी की तैयारी में ना कई सालों का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी है, क्योंकि इतने लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की है भैया कि कोई ना कोई मिल जाता है, इसका यूपीएससी नहीं निकलता वो सपोर्ट में आ जाता है। बात सही है बिल्कुल। कोडिंग के साथ सच्चाई ऐसा है कि ऐसा हुआ नहीं है ना, कोडिंग में तो हमारा 50-60 सालों का इतिहास तो है नहीं, यूपीएससी तो खैर बहुत पुराना एग्जाम है, इतने 100 सालों का इतिहास नहीं है। 10 साल पहले तक लोग खुद से प्रोग्रामिंग बहुत नहीं पढ़ा करते, जब मैं कॉलेज में था तो बहुत कम लोग पढ़ते थे खुद से प्रोग्रामिंग, और बहुत कम लोग करते थे इवन ब्रांचेज में होके भी कोडिंग नहीं करते थे। तो 10-12 साल का इतिहास है और कहां 100 सालों का इतिहास, तो ऑब्वियसली वहां पे स्ट्रक्चर नहीं है। पर इसमें होता क्या है कि समझिए एक रास्ता है, और इस रास्ते में बड़े अच्छे से सीढ़ियां बनी हुई, एकदम बढ़िया पेव्ड सीढ़ी है और आप आराम से चल सकते हो। आपको चलना बहुत है, बहुत दूर जाना है, पर सीढ़ियां अच्छे से बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोडिंग के रास्ते में क्या होता है कि बहुत सारे जंप्स होते हैं और बहुत रास्ता भी बहुत सारे हैं, तो कोई बोलता है ऐसे चले जाओ, कोई ऐसे चले जाओ, कोई वैसे चले जाओ, तो हर कोई एक अलग अलग तरीका बताता रहता है, तो वो बढ़िया स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल पाता है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा जब होता था तो क्या करते थे? मतलब कुछ नहीं भैया, मैंने एक ही चीज सोचा कि एक रास्ता मैं पकड़ूंगा और उसको करूंगा। तो आप बोले थे कि बेसिक पे खूब सारा टाइम स्पेंड करो, और आपने जो ऐप बनवाया, XCLI ऐप बनवाया था, वनीला जेएस के एक दो ऐप बनवाए थे, रियाक्ट के 2-4 ऐप बनवाए थे, तो जो जो ऐप्स आप बनवाते थे मैं करता था, जो नहीं समझ में आता था तो मैं गूगल करता था उसको। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गया था भैया कि गिव अप नहीं मारना है। और अटकता था तो क्या करता था? अटकता था तो डिस्कॉर्ड सर्वर हुआ करता था, तो है भी एक्चुअली, तो उस पर पूछ लेता था, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता था और थोड़ा मुझे स्ट्रक्चर मिल जाता था। लेकिन
अगेन स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं था, मुझे भी पता है नहीं था, नहीं है अभी भी उतना स्ट्रांग स्ट्रक्चर, बट लगा रहता था। इसमें एक प्रॉब्लम होती थी, बहुत मजेदार प्रॉब्लम थी, कि ये बच्चे जो है ये प्रोग्रामिंग से तो आए नहीं थे, जैसे मोहसिन भी प्रोग्रामिंग जर्नी से आया नहीं था, तो प्रोग्रामिंग के बहुत बेसिक कंसेप्ट इन्हें बहुत मुश्किल होते थे समझने में, बहुत सिंपल लॉजिक बिल्डिंग जो एज अ प्रोग्रामर शायद मुझे बड़े आराम से आता है। तो एक समय हमने क्या किया था, मैं और ये बच्चे हम लोग बैठे थे और मैंने जितने बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे वो लिख कर एक जगह कंपाइल कर दिया था और इनको बोला था कि बनाओ और बनाओ आपस में डिस्कस करो, जब तक ये 100-150 क्वेश्चंस थे, जब तक ये नहीं बनाओगे तब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा और आप लॉजिक, आप इफ एल्स फॉर लूप इन चीजों में सोच नहीं पाओगे, लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट जो है आपके तगड़े नहीं होते। देखो लंबी लकीर की सीरीज में हम हर संडे बात करते हैं करियर के बारे में और कैसे सोचे, कैसे एक लंबी लकीर खींचे, कैसे करियर को एक लॉन्ग गेम की तरह देखें। तो अगर आपको करियर परेशान करता है, आपको लगता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है दुनिया में, तो इसके सारे वीडियोस देखिए, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इनको बहुत मेहनत पड़ी थी यार मुझे, आई रिमेम्बर, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था स्पेंड करने के लिए, इनको बहुत मेहनत पड़ी थी, मोहसिन थे और भी बहुत बच्चे थे, पर ये लगकर करे। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो मुझे मोहसिन की कहानी से लगती है ना, कि हार्ड है, इजी नहीं है, इजी नहीं है सोचना कि मैं प्रोग्रामर बन जाऊंगा और महीनों महीनों लगे रहना, और एक आदमी मेरे जैसा एक इंसान आता और कुछ ऐसा रास्ता देता कि ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, तो मुश्किल होता है हर बार खुद से इतना सब कुछ सीखना, इतना सब कुछ करना, अननोन को रोज फेस करना, और रोज आप उठते हो तो तने भैया बार को उठा के थोड़ा और ऊपर कर देते हैं कि अच्छा यहां तक कर लिए, अब ये भी पढ़ लो, ये भी कर लिए, अब ये भी पढ़ लो, ये भी कर लिए, अब ये भी पढ़ लो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि रोज आपको बस उठ के लगे ही तो रहना है। तो मोहसिन भी यही कहता था, कुछ परेशानी हुई जैसे कि भैया जावास्क्रिप्ट जो है, प्रोग्रामिंग तो समझ में आया लगा लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो फिर मैंने इनका एक ग्रुप बनाया और इनको बोला कि ईजेएस एक बुक है, इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। तो मैंने कहा कि ये देखो ये किताब ऑनलाइन है, फ्री है, इसको पढ़ो, और एक बुक क्लब बना दिया इनका कि पढ़ो। हर फ्राइडे ऑफिस के बाद मैं बैठता था और मैं उनको बोलता था कि आप लोग आपस में डिस्कस करो, मैं बस सुनूंगा, और अगर आपका डिस्कशन में आपको कहीं लगे कि यार ये चीज भैया पढ़िए लेकिन समझ में नहीं आई, तो मैं समझा दूंगा उस समय। तो ये जो आपस का डिस्कशन था, ये जो किताब ये लोग पढ़ते थे और उसको पढ़कर डिस्कस करते थे, डिस्कस करने से क्या फायदा होता है, लर्निंग के बहुत तरीके होते हैं, लर्निंग का एक बहुत बड़ा तरीका होता है रिफ्लेक्शन, एक तरीका होता है एप्लीकेशन, उसमें क्या होता है कि आप कोड कर रहे हो तो आप जो सीख रहे हो उसको आपने कोड किया, एक तरीका होता है रिफ्लेक्शन, मतलब आपने जो पढ़ा उस पर आप सोचे, उस पर आपने उसको कनेक्ट किया बाकी चीजों से और सोचने का तरीका लगाया कि ओ ये जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ वो वहां उससे कनेक्ट होता है, और ऐसे ऐसे चलती हैं चीजें। तो रिफ्लेक्शन करते थे हर वीक। मोहसिन एक अकेला बच्चा था, बहुत बच्चे थे, अंकिता थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से थी, उसने अपना जॉब छोड़ दिया था, सपोर्ट जॉब में थी, उसकी कहानी भी कभी विस्तार से बताएंगे, तो उसने भी अपना जॉब छोड़ दिया था, लेकिन बहुत मेहनत से ये बच्चे काम करते थे तो लगे रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, देखो कितना मुश्किल हुआ इनके लिए, प्रोग्रामिंग सीखना पड़ा बेसिक से, तो बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, फिर जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज खुद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना था, तो ईजेएस बुक पढ़ा, डिस्कशंस किए, रिफ्लेक्शंस किए, उसके बाद ढेर सारे बेसिक सीएलआई एप्स और अलग अलग तरह के एप्स बनाए, है ना। वो जब एप्स बना के इनका हाथ थोड़ा साफ हो गया रिएक्ट पे, तो रिएक्ट के भी छोटे छोटे एप्स बनाए, जैसे कि हमने एक याद है मुझे गूगल कीप का क्लोन बनवाया था, इन लोगों ने बनाया था और बहुत टाइम लगा था। सीएसएस सिखाने के लिए हमने इनको एक लिस्ट दे दी थी कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को एक जगह करके एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाना छोटी सी, उसको भी इन्होंने बनाया, बहुत मेहनत पड़ी इन्हें। कई बार मुझे आज भी जब मैं देखता हूँ 3-4 साल पहले, मुझे लगता है कि यार जितना स्ट्रक्चर जितना सपोर्ट चाहिए होता है या होना चाहिए था वो नहीं था, बट इन बच्चों ने फिर भी बहुत मेहनत की और हार नहीं माने और मोहसिन निकल कर आया। और ये कब हुआ मैं बता दूं तुम्हें, टाइमलाइन सोचो कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में 2020 में इसने शुरू की प्रोग्रामिंग, और जुलाई अगस्त 2021 यानी कि 12 महीने बाद इसने अपना पहला इंटरव्यू दिया। इस बीच इसने फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड सीखा, रिएक्ट सीखा, प्रोग्रामिंग सीखी, जावास्क्रिप्ट को समझा, ईजीएस बुक को खत्म किया, बहुत मेहनत। तो अभी हमारा जो बच्चा है मोहसिन ये रेडी है, ठीक है, नर्वस है पर रेडी है, इसको भी पता है कि यार मुझे आता है, तो इसको हम लोग एक जॉब इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, चला जाता है ये बच्चा बहुत अच्छे से, और नहीं होता इसका, आता है वापस, भैया कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, फिर दूसरे इंटरव्यू के लिए जाता है फिर नहीं होता है, फिर तीसरे के लिए जाता है फिर नहीं होता है, अब ये दुखी हो गया। और क्या होता है ना कि जब आप इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देते जाते हो और नहीं निकलता, और अभी 2-3 ही हुआ है, लेकिन लाइफ का तो आपका पहला दूसरा तीसरा इंटरव्यू है, तो बहुत लगता है कि यार, और ऐसे भी लगता है कि उसका निकल गया क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, या उसका निकल गया क्योंकि वो 4 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि किसी का नहीं हो रहा है,
आपका नहीं हो रहा और आपके सामने बहुत सारे बच्चों का जॉब निकलता जा रहा है, तो क्या करें फिर? हमें हमारी एक बारी बात हुई थी कि क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि भैया थोड़ा मतलब लग रहा है कि नहीं होगा क्या। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें चाहिए तुम्हारे लिए क्या, एक जॉब, और इंटरव्यूज लेने के लिए कितने हैं? बहुत। और ये 2021 का मार्केट था यार, उस समय मार्केट में बहुत पैसे मिल रहे थे, बहुत लोगों को मौके मिल रहे थे, तो इस मार्केट में उसे कोई टेंशन ही नहीं था। मैंने कहा दो इंटरव्यू आराम से, जितने हो सके दो। ठीक है, फिर से गया इंटरव्यू देने, चौथे इंटरव्यू दिया, वो भी नहीं निकला। अब मनोबल और टूट रहा है, फिर भी करोगे क्या? अगर तुमने एक साल मेहनत की है, अब जैसे कि एग्जाम्पल देते यूपीएससी का, तुम एक साल दो साल लगा देते हो, तुम यूपीएससी करते हो और एग्जाम देते हो और नहीं होता है, नहीं होता है, फिर से देते हो, अगले साल बर्बाद देते हो। यहाँ पे तो तुम्हारा फिर भी एक इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू के बीच में 10 दिन का 5 दिन का अंतर होता है, देते हो ना। यूपीएससी में या गवर्नमेंट जॉब में, एसएससी में, किसी भी एग्जाम में हम बड़े आसानी से लेते हैं इस चीज को, बैंक पीओ में किसी भी चीज में बड़े आसानी से लेते हैं कि हाँ नहीं निकला कोई बात नहीं, एक साल में किसका निकलता है, दो साल में किसका निकलता है। अधिकतर लोग 3 साल तो तैयारी करते ही है ना भाई। जब हम गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में फेलियर्स को इतने आसानी से लेते हैं, तो हम जब प्राइवेट जॉब्स में आते हैं तो हम सिर्फ इंटरव्यू फेलियर्स को इतनी दिल पे क्यों लेते हैं? तो इतनी आसानी से क्यों हार मान रहे हो? खैर, मोहसिन भी हार नहीं मानता है, 5वीं जगह जाता है और यहां उसका निकल जाता है और बहुत अच्छा निकलता है, बहुत अच्छी जगह जॉब, तो मुझे पता चलता है बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। इतना बड़ा लंबा सा थैंक यू पोस्ट लिखता है और उस थैंक यू पोस्ट में वो आई थिंक पहली बार मेंशन करता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और एक साल के बाद जब मैं निराश हताश था तो फिर मैं यहाँ आया और इस कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया और मैं पढ़ा लिखा सीखा और आज मैं यहाँ पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार से भरा हुआ बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, मुझे वो पोस्ट याद है। उसके पहले मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी है कि नहीं, क्योंकि सारे बच्चे बराबर से पढ़ते, तो इतना मुझे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कहानी में एक हैप्पी एंडिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है, 2 महीने बाद मुझे फिर से कॉल आता है उसके हायरिंग मैनेजर का कि हम मोहसिन को निकाल रहे हैं। तो हमारे बड़े सिस्टम से बड़ा सिंपल सा है कि हम जो हायरिंग मैनेजर जो हायर करते हैं उनको बोलते हैं कि आप ले लो 3 महीने, अगर आपको अच्छा लगे बच्चा तो बढ़िया, नहीं लगे तो हमें वापस कर देना, हम आपको उसके बदले दूसरा दे देंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो संबंध है वो भी अच्छा बना रहता है, बहुत सारे हायरिंग पार्टनर्स हैं हमारे, बच्चे के लिए भी बहुत ये नहीं होता कि हाँ भाई फायर होगा, ये होगा, कुछ नहीं भाई, आप ट्रायल पीरियड में थे, प्रोबेशन पीरियड में थे, कोई बात नहीं। तो प्रोबेशन पीरियड में मोहसिन को वापस किया जाता है हमें, और बोला जाता है कि देखिए दिक्कत ये है कि इसको डिबगिंग करने नहीं आता है ऐप। अब यार ऐप डिबगिंग करना ना कोई बड़ा बिगिनर स्किल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप बनाते हो और अपना कोड डिबग कर लेते हो, क्योंकि आपको अपना कोड पूरा का पूरा पता है और आपने छोटे छोटे ऐप्स बनाए, बहुत बड़े ऐप्स बनाए नहीं है प्रोडक्शन लेवल के, तो आपको उतनी दिक्कत होती नहीं है। लेकिन यही जब आप दूसरे प्रोग्राम पे जाते हो और बहुत बड़ा कोड देखते हो और अगर आपको दूसरे का कोड पढ़कर समझकर डिबग करना नहीं आता है तो मुश्किल हो जाती है। हालांकि अगेन दिस इज नॉट अ फ्रेशर स्किल, तो मैंने बोला कि यार ठीक है फ्रेशर स्किल नहीं है ये, तो आप क्यों ना इसको सिखा देते हैं। बड़े अच्छे से उसने कहा यार, उसका हायरिंग मैनेजर बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा इंसान था, उसने कहा कि देखो तने ये सच कह रहे हो तुम कि फ्रेशर स्किल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी कोई सीनियर भी नहीं है। और 2021 में ये बड़ी मुसीबत हो गई थी कि अफरा तफरी पैसे चल रहे थे तो सीनियर हायरिंग बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि सीनियर एवरीबॉडी वाज ग्रैबिंग सीनियर, तो हम नहीं सिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वापस कर दो हमें और हम दूसरा बच्चा आपको भेज देते हैं। और फिर हम मोहसिन को बोलते हैं कि देखो यार कोई बात नहीं, ये जो हो गया का तो लगता है, आराम कर लो, फिर हम लोग लगते हैं इस चीज के ऊपर, फिर क्या कर सकते हैं। तो जब आपको कोड डिबगिंग सीखना है तो सबसे अच्छा रास्ता होता है कि आप कोई एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा लो। आई एम नॉट सेइंग ओपन सोर्स लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में थोड़ा मुश्किल होता है समझना, प्रोजेक्ट उठा लो, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो मैं एक लिस्ट बना के उसको दे दिया। उस समय मैंने ट्वीट भी किया था कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कौन कौन से बता दे लोग, क्योंकि मुझे वही करना था। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का लिस्ट दे दिया और बोला इन प्रोजेक्ट्स में घुसो, इनके इश्यूज उठाओ और देखो कि तुम खुद से इश्यूज डिबग कर पाते हो कि नहीं। ये चीज मुझे हमेशा मोहसिन ने बड़ी अच्छी लगती थी कि जब भी मैं एक रास्ता बताता था तो उस रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर कांटे गड्ढे सब होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने रास्ता पूरा बनाया नहीं है, बताया है। लेकिन बच्चा चलता था भाई, तो उसने चला, समझा कैसे ब्राउजर के डिबगिंग टूल्स को यूज करना है, कैसे डिबग करना है, और 1-1.5 महीने में सीख गया। बोला भैया अब कॉन्फिडेंस आ गया है, वापस से आप मुझे भेज सकते हो। फिर से वापस से हमने उसे भेजा, 1-2 इंटरव्यू दिए, फिर हो गया आराम से। अब उसे इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया था, काम भी किया था उसने 2 महीने, तो उसको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया था, अच्छा था, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है उससे। समझ में आ जाता है कि यार वर्क में बहुत ऐसा भी कुछ नहीं होता जो हमें नहीं आता है। ठीक है, एक चीज के लिए हमें बोला गया, बट कोई बात नहीं, बाकी चीज तो हम कर पा रहे थे ना वहां पे। तो आप चले जाते हो, मोहसिन चला जाता है, बढ़िया मजा, जॉब लग जाती है, अच्छे जॉब लगती है। मैं पैकेज नहीं बताऊंगा कि 2021 के पैकेजेस इतने ज्यादा थे सबके, ऐसे फ्रेशर्स बच्चों के भी इतने पैकेज लगते थे जो आज के मार्केट में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब लग गया, उस समय लग गया और
बढ़िया भाग्य था, समय की बात है ना। हम मैं बार बार आजकल लोगों को बोलता हूँ कि टमाटर का प्राइस कौन डिसाइड करता है, टमाटर या मार्केट? मार्केट डिसाइड करता है। 2021 में टमाटर का प्राइस हाई था, आज टमाटर का प्राइस थोड़ा कम है, बट इससे टमाटर की गुणवत्ता और टमाटर की जो यूसेज है वो खत्म नहीं हो जाते, कम नहीं हो जाते, यही बात है ना। तो अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो, आपको आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो आपको कोई ना कोई दाम पर कोई ना कोई तो खरीदेगा, क्योंकि बिना टमाटर के काम तो चलेगा नहीं। और जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप भी टमाटर सोने के भाव भी बिकेगा। एनीवे, टॉपिक पे वापस आते हुए, 2 साल हो गए। देखो यार, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब बच्चे अच्छा कर लेते हैं, जॉब में चले जाते हैं, तो मैं बहुत टच में नहीं रहता, क्योंकि फिर नए बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ काम करना होता है, उनको उनका मार्गदर्शन करना होता है, तो फिर नए बच्चे आ गए। लेकिन अभी 2023 में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी अपने घर पे, और ये जो बच्चे थे 2021 ग्रेजुएट जो बैच था उनको बुलाया था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वापस आते हैं और बाकी बच्चों को हेल्प करते हैं, ट्रेन करते हैं, मेंटर करते हैं, तो बुलाया था इनको, इनके साथ थोड़ा खेला कूदा, बैठा, बिरयानी खाई हमने, बहुत सारा काम मजा किया। तो फिर उसी बीच में मेरी बात हो गई, क्योंकि अब इसलिए भी बात हो गई क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बढ़ गया। तो मुझे याद था कि मोहसिन यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये सारी कहानी उससे पूछी पूरी की पूरी, एक बार रिविजन किया पूरा। और अब मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, अब फर्क पड़ता है क्या, जो 1 ईयर गैप था उसका फर्क पड़ता है? तो बोला भैया अब नहीं, अब कई एचआर के कॉल आते हैं, 2 साल हो गए, अब लोग उसके बारे में कभी पूछते ही नहीं। अब ये जो 2 साल मैंने कर लिया है जॉब और जो 1 साल पढ़ाई कर ली, वो 3 साल उसका टर्म नहीं है, ये जो एक लंबी लकीर है इसने हमें एक रीसेट दे दिया है। तो अब नोबडी केयर्स कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, क्यों मेरा ईयर गैप था, क्या मैंने गवर्नमेंट जॉब। भैया आज आप पूछ रहे हो तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 सालों में अब किसी ने ये कहानी मुझसे पूछी भी नहीं। तो यही होता है, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, सच्चाई यही है कि एक बार आप जॉब में घुस जाते हो और एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो उसके बाद पीपल डोंट केयर कि आप किस बैकग्राउंड से, और आपको ये हर जगह दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या मोहसिन के साथ हो रहा है, आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होता है, उसमें बस यही होता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले कुछ सालों का। तो इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि घुस जाओ ना यार जॉब में, द फर्स्ट एम शुड बी टू गेट इन टू द जॉब एंड नॉट द पैकेज। एक बार जॉब में घुस जाओगे और लकीर बननी लगेगी लंबी वाली, तो फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, फिर पीपल डोंट केयर अबाउट योर बैकग्राउंड, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो मोहसिन की कहानी सुनाने के लिए मोहसिन को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इसमें क्या पसंद आया आप जरूर से कमेंट में बताते जाना, ताकि मैं ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियां लाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। और जब ये कहानियां आए तो आपसे मिस ना हो, इस पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चारों चीजें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कुछ भी मत भूलना, इतना सा होमवर्क।